आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाए जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। एम्स गोरखपुर में ऑडिटोरियम व नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा, अपने क्षेत्र में कुछ नया करते रहने का प्रयास करें चिकित्सक। इनोवेशन और रिसर्च ही है योग्यता का आधार। सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं हो सकता है आपका उद्देश्य। पांचवी मुहर्रम पर कड़ी सुरक्षा के बीच इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में धूमधाम से निकाला गया शाही जुलूस। सभी धर्मों के लोगों के द्वारा फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ किया गया भव्य स्वागत। इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर जुलूस बक्सीपुर अली नगर करबला मैदान सहित विभिन्न मोहल्ले से होते हुए वापस इमामबाड़ा स्टेट पर हुआ समाप्त। मियां साहब ने सभी को दिया धन्यवाद। गोरखपुर से युवाओं के सेवा योजन की नई व बड़ी लकीर खींच के सीएम योगी। 121 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया 20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात्कार। 5,163 युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली ऑन द स्पॉट नियुक्ति। मतदाता सूची में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को किया निर्देशित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए है महत्वपूर्ण। इमामबाड़ा स्टेज का पांचवे मुहर्रम का शाही जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न। एसपी सिटी ने कहा, चप्पे चप्पे पर पुलिस पीएससी व एसएसबी जवानों की लगाई गई थी ड्यूटी। जुलूस की ड्रोन से भी की गई निगरानी। विश्व स्तन 5 सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में एक दिवसीय गोष्ठी का किया गया आयोजन। सीएमओ ने कहा, जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए होता है वरदान। बच्चे को 6 माह तक मां का ही पिलाएं दूध। किसान सम्मान निधि का डाटा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है वेरिफिकेशन। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, सभी किसान अपने लेखपाल से कर ले संपर्क, दिखाएं अपने खतौनी में डाटा संख्या, किसान है तो जारी रहेगी किसान सम्मान निधि। पुलिस ऑफिस कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी से पुराने आरटीओ कार्यालय में हुआ शिफ्ट। एसपी सिटी ने कहा, कोई भी फरियादी पुराने आरटीओ कार्यालय में आकर अधिकारियों से बता सकता है अपनी समस्या, समस्या का होगा समाधान। और 1 लाख लोग एक साथ हाथ में तिरंगा लेकर गाएंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। स्वतंत्रता दिवस पर नौकायन पर जीडीए के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी।